हेलो, हाउ आर यू? फाइन। आनंद आ रहा होगा, बड़े जम के आनंद आता है, खास करके जब हम लोग पढ़ते हैं और हमारा आंसर सॉल्व होता जाए तो मजा आता है। और अगर आंसर नहीं बना तो गुस्सा आता है। आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में क्या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना वो सब हमने पूरा डिटेल से चेक किया था, चर्चा हुई थी। नहीं तो आप पीछे मुड़ के देख लीजिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। हमने वहां डिस्कस किया था कि हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, कैसे ये अप्लाई होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, आज शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। पहला क्वेश्चन कह रहा है, 5 आयोटा बोर्ड को दो भागों में बांट देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। 5 आयोटा एंड मल्टीप्लाई बाय -3/5 आयोटा दिस इज इक्वल टू 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। -5 5 कैंसल, इट बिकम्स -3 into iota square। दिस इज इक्वल टू -3 into -1, क्योंकि आप सबको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका -1। सो 3 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आयोटा रेस टू दी पावर 9 प्लस आयोटा रेस टू दी पावर 19। आयोटा रेस टू दी पावर 9 प्लस आयोटा रेस टू दी पावर 19। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर रेस टू दी पावर 4 इंटू आयोटा, 4 2 8 इंटू आयोटा दैट मीन्स 9 लिखा जा सकता, प्लस आयोटा स्क्वायर रेस टू दी पावर 9 इंटू आयोटा, इट बिकम्स आयोटा स्क्वायर -1 रेस टू दी पावर 4 इंटू आयोटा प्लस -1 रेस टू दी पावर 9 इंटू आयोटा। ये जब हम कैलकुलेट करें, -4 है हमारा, -1 का अगर रेस टू दी पावर 4 है तो वो क्या बन जाएगा, +1, और +1 को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करें देन इट बिकम्स आयोटा प्लस माइनस, ये -1 रेस टू दी पावर 9 देन इट बिकम्स -1 दैट मीन्स -iota, प्लस माइनस कैंसल, 0 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 हमें गिवन है आयोटा रेस टू दी पावर -39, आयोटा रेस टू दी पावर -39, इट मीन्स 1/iota^39, दिस शुड बी रिटन एज 1/iota^2^। अब देखो 38 किसके लिए होगा, 19 2 जा, सो वी शुड राइट हेयर 19 into iota, इट बिकम्स 1/-1^19 iota, दिस इज इक्वल टू 1/-iota, क्योंकि 19 है, -1 का पावर हमारा यही होगा। अब देखो आयोटा को माइनस में है तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, कभी भी हम आयोटा को नीचे नहीं रहने देते, देन वी नीड टू मल्टीप्लाई आयोटा अपॉन आयोटा, व्हाट वी गेट, -iota/iota² दिस इज इक्वल टू -iota/-1, -- कैंसिल, वी गेट आयोटा एज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन करने के लिए, 3 + 3 × 7 + iota 7, नेक्स्ट प्लस में दे रखा है हमें आयोटा इंटू 7 + iota 7, दोनों में आयोटा 7 हमें गिवेन है, हमें इसको सॉल्व करना,
then it becomes 7 3 is 21 plus 21 iota plus 7 iota plus iota square into 7. This is equal to 21 plus 28 iota minus 7. It becomes 21 से हम 7 माइनस करें क्या मिलेगा हमें 14 प्लस 28 iota. ये हमारा क्या हो गया आंसर. अब इसको अगर हम ए और बी में, कई बार हमें पूछा जाता है कि ये सॉल्व इट एंड फाइंड ए प्लस बी फॉर्म में, देन ए प्लस बी आयोटा अगर जेड के फॉर्म में करें तो कंपेयर, जो कि क्वेश्चन में आपको दे नहीं रखा है, क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा, लेकिन एडिशनल मैं आपको बता दूं, ए हमारा हो जाएगा 14 और बी हो जाएगा 28. क्लियर. क्वेश्चन नंबर, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. हमें क्वेश्चन दे रखा है फिफ्थ में, 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस 1 प्लस आयोटा 6, दिस वन इट इज इक्वल टू. अब इसको हम सॉल्व करेंगे ठीक वैसे ही, 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा 6, दिस इज इक्वल टू, ये क्या बन गया 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2 माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा दैट मीन्स माइनस 7 आयोटा. ये हमारा आंसर हो गया. अगर हम ए बी में लिखें तो 2 इज योर ए एंड माइनस 7 इज योर बी. अगर आप चाहो तो ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहां प्लस लगा के माइनस 7 को ब्रैकेट में ले लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, हमें कह रहा है 1/5 प्लस 1/5 प्लस आयोटा 2/5 एंड माइनस 4 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2. यही है क्वेश्चन. अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग वही तरीका अपनाएंगे, सेम प्रोसेस से गुजरेंगे. क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 4 माइनस 5/2 आयोटा. अब लाइक को लाइक के पास ले आए, इट बिकम्स 1/5 माइनस 4 प्लस 2/5 माइनस 5/2 आयोटा. इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 5 4 जा 20/5 प्लस 5 2 जा 10 डिनोमिनेटर होगा 4 माइनस 25 आयोटा और इट बिकम्स माइनस 19/5 प्लस 4 माइनस 21 इट बिकम्स माइनस 21/10 आयोटा. आपका ये आंसर हो गया. लिख दीजिए माइनस 19/5 माइनस 21/10 आयोटा इज योर आंसर. इसको भी अगर ए और बी में करना चाहें तो आप बड़े इत्मीनान से ए और बी लिख सकते हैं. ए आपका हो जाएगा, अरे माइनस यहां प्लस है, सॉरी प्लस माइनस माइनस, 4 हमारा क्या है, प्लस का है या माइनस का है, ठीक है आराम से बन जाएगा ये हमारा. क्लियर है. अब ये कुल मिला के इसमें हमें शायद 17-14 है क्वेश्चंस. तो नेक्स्ट 6 तक तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. हम लोग
7 प्लस जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, आपको अगले एक्सरसाइज में इतना आसान नहीं होगा, इसलिए इसको ध्यान से करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात, कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट करना है कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा, या इसके अतिरिक्त आप क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुझसे, जो वो मैं करूं। तब तक के लिए बाय।